नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते फटाफट अंदाज में। कृषि अध्यादेश पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, नेता राजनीति के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। केंद्र को हमने पत्र लिख दिया है, मंडियों में पहले की तरह ही व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि मक्का और बाजरा का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे, दूसरे राज्यों से आए मक्का और बाजरा नहीं बिकेंगे। कृषि बाजार के सुधारों के लिए सरकार का अध्यादेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, केंद्र सरकार से जुड़ा है किसानों का मामला, राज्य सरकार केंद्र के कानून को फॉलो करता है, अतिरिक्त व्यवस्था हम कर सकते हैं, एक्ट के लिमिट में हम जितना कर पाएंगे करेंगे। किसानों को सीएम ने कहा कि कांग्रेस भोले भाले किसानों को भड़का रही है। पहले कांग्रेस ने संशोधन की बात कही थी, बीजेपी सरकार अध्यादेश लेकर आई तो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को पूरी छूट दी गई है, सीएम ने कहा कि कीमत अच्छी मिले, गुणवत्ता बढ़े, ये सरकार का ध्येय है। किसान, व्यापारी, आढ़ती सभी मिलकर इस पर ध्यान देंगे, किसानों के हित में कई योजनाएं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि राजनीतिक परिस्थिति पर बैठक में चर्चा की गई, सरकार पूरी तरह विफल है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में ये अध्यादेश लागू ना हो, इसके लिए कांग्रेस शुक्रवार को राज्यपाल से मिलेगी, कांग्रेस इस मामले में राज्यपाल से मिलकर विशेष अधिवेशन विधानसभा का बुलाने की मांग करेगी। हुड्डा ने कहा कि जेजेपी विधायक भी इस मामले में सरकार से अलग बयान दे रहे हैं, हम इस मुद्दे पर मूवमेंट शुरू करेंगे और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा पिपली में 10 लाख किसानों को इकट्ठा किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण किया, कार्यालय में कई दस्तावेजों को खंगाला, एडीजीपी एएस चावला के काम में लापरवाही को लेकर जानकारी मिली थी। उधर डायलेक्स 112 का प्रोजेक्ट सिरे से ना चढ़ने और देरी से गृहमंत्री नाखुश थे, एडीजीपी एएस चावला से सभी चार्ज वापस लिए गए, गृहमंत्री ने कहा कि डायल नंबर 112 का काम 1 साल से लंबित था। अनिल विज ने बताया कि मेरे यहां आने से पहले ही डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए थे और एडीजीपी चावला से सारे चार्ज ले लिए गए हैं, अब वो सिर्फ दफ्तर आएंगे, हाजिरी लगाएंगे और खाली बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बाकी लोगों से भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मना रही पीएम का जन्मदिन, हरियाणा समेत कई राज्यों में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, विकलांगों को वितरित किए जाएंगे जरूरी उपकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम को दी जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर लिखा, 7 दशकों का जीवन प्रेरणादायी है, पीएम का समर्पण और दूरदर्शिता अनुकरणीय है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने युवा प्रेरणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम में जुड़े हर सदस्य ने लोकल के लिए वोकल बनने और अगले 12 महीनों तक हर महीने की 17वीं तारीख को एक मेक इन इंडिया उत्पाद खरीदने का प्रण लिया। सीएम ने बताया कि पूरा देश पूरे एक सप्ताह तक प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगा, इस सप्ताह में सेवा के लिए काम किए जाएंगे, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अम्बाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर कपड़े के कैरी बैग बांटे, कैरी बैग बांटने पर खुद गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे। विज ने कहा कि ये कैरी बैग बांटने का संदेश पीएम मोदी ने ही दिया था, पीएम ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान की बात की, जबकि बीते 70 सालों में कभी सफाई का नाम भी नहीं लिया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर फरीदाबाद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बधाई दी, कहा आज देश का हर नागरिक मोदी जी के संदेश को लेकर काम कर रहा है। उधर पीएम मोदी के जन्मदिन पर न्यू जनता कॉलोनी में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों को कपड़े के बैग बांटे, इस दौरान सुभाष बराला किसानों के अध्यादेशों के विरोध पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री किसानों की हर बात को समझते हैं, वो गलत निर्णय नहीं लेंगे। इस दौरान बराला ने कहा कि किसानों की फसल को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, एमएसपी पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बहादुरगढ़ में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 70 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रक्तदाताओं के उत्साह के चलते 100 यूनिट से ज्यादा रक्तदान हुआ। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया। कृषि अध्यादेशों को लेकर अरविंद शर्मा ने कहा कि अध्यादेश किसानों के हित में है, किसानों की भलाई के लिए है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हिसार में पॉलिथीन भगाओ थैला अपनाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। दुकानों और घरों में थैले बांटे गए। इससे पहले गांव मुकलान में भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें 70 त्रिवेणियां लगाई गई और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन कर पीएम के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की गई। इंद्री के बीडीपीओ सभागार में मोदी को हां और पॉलिथीन को ना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। नगरपालिका ने कपड़े के थैले वितरित किए। उधर विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि अध्यादेशों के बारे में विपक्ष किसान संगठनों को गुमराह कर रहा है। अगर इन अध्यादेशों में कुछ खामियां होंगी तो उनको सभी के सुझाव लेकर दूर किया जाएगा। उकलाना में नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने पौधारोपण किया और पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। जिला अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि जिन अध्यादेशों को लेकर विपक्ष पार्टी राजनीति कर रही है, उन्हें अध्यादेशों के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिस बात को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, वो सभी किसानों के हित की बात है। पलवल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने हर दिन अच्छे काम करने का प्रण लिया। चरखी दादरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए पर्यावरण सुरक्षा के लिए कपड़े के थैले बांटे गए। धनखड़ ने कहा कि किसान अध्यादेश किसानों के हित में है, किसानों की भलाई के लिए है। अध्यादेश पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मंडियों में खरीद 25 सितंबर से हो, इसकी अनुमति केंद्र सरकार से मांगी गई है। इहोवा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मंडल की तरफ से विशेष पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने लोगों को कपड़े के कैरी बैग बांटकर पॉलिथीन से मुक्त रहने का संदेश दिया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने टेलीफोन एक्सचेंज के पास बन रही सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लिया और मौके पर अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि अध्यादेश निश्चित रूप से किसान हित में है, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। अध्यादेशों पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है, अगर कोई किसान सुझाव देना चाहता है तो सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। विधायक ने कहा कि अध्यादेश का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के साथ किसानों को संपूर्ण आजादी देना है। अध्यादेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान चाहे तो मंडी में अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या मंडी के बाहर जाकर भी बेच सकता है। प्रदेश में कोरोना के 2694 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की कोरोना से जान चली गई। 1,00,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 78,937 मरीज रिकवर हो चुके हैं। पंचकुला में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 54 हो गया है। 242 नए केस भी सामने आए, जिसमें से 112 पंचकुला से हैं, बाकी बाहरी हैं। सोनीपत में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। एक दिन में सामने आए कोरोना के 167 नए केस। सोनीपत में कोरोना मरीजों का कुल संख्या हुई 6,915। जिले में एक्टिव केस 366। सिरसा में कोरोना के 70 नए केस मिले, जबकि 50 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 38 हो गया है। नू में पिछले 24 घंटे में 10 नए केस सामने आए, 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक कोरोना से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना के 139 केस एक्टिव हैं, 840 मरीज ठीक हो चुके हैं। अंतरिक्ष परी और करनाल की बेटी कल्पना चावला को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाली अमेरिका व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम नासा के दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। मानव अंतरिक्ष यान में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। कल्पना चावला का यह सम्मान मिलने पर करनाल में उनके स्कूल में खुशी की लहर है। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के छात्र उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल और मानसून ने लोगों की रसोई का जायका खराब कर दिया है। सब्जियों के दाम में 35 से 40% की वृद्धि हो गई है। टमाटर का भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है।
आढ़तियों का कहना है कि 2% टैक्स बढ़ने से भी परेशानी हो रही है। कोरोना काल में सब्जी की सप्लाई कम हुई, फिर बारिश ने सब्जियां खराब कर दी। लॉकडाउन के दौरान किसानों ने भी सब्जियों की खेती कुछ कम की है, जिसके चलते भाव बढ़े। रेवाड़ी में प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर 1 साल के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी। जिला उपायुक्त ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद या मादक पदार्थों का सेवन या बिक्री करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैथल में हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स और डीलर्स एसोसिएशन ने जीरे की फसल खरीदने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन अमरजीत चापड़ा ने कहा कि जब तक सरकार उनके मुद्दे नहीं सुलझाती, तब तक हरियाणा का कोई भी मिलर ना तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा और ना ही सीएमआर का कार्य करेगा। उधर इस मालका के पापटी गांव में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ मजदूर संगठन इफ्टू ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की। उधर किसान सरकार द्वारा जारी किसान अध्यादेश का हिसार के करीब 40 गांवों के किसानों ने समर्थन किया है। ट्रैक्टर पर रैली निकालकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे। एक और विपक्षी पार्टियां सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी किए गए अध्यादेश का विरोध कर रही। हिसार के लघु सचिवालय में किसान उत्पादक संघ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले हिसार जिले के करीब 40 गांव के किसानों ने अध्यादेश का समर्थन देते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अपील की कि सरकार तीनों अध्यादेश को कानून के रूप में किसानों के बीच में जल्द से जल्द लाए। उधर चौहारा में आदर्श कॉलोनी से कुछ दिन पहले लापता हुए दिव्यांग बच्चे को बस स्टैंड पर कार्यरत रोडवेज कर्मचारी की सतर्कता के चलते हिसार के बस स्टैंड से बरामद कर लिया गया। परिजनों ने रोडवेज कर्मचारी का आभार जताया। रोडवेज परिसर में लगे सीसीटीवी की जांच के बाद कंडक्टर ने अपने साथियों से संपर्क किया, जिसके बाद बच्चे को ढूंढने में आसानी हुई। बच्चा कुछ दिन पहले गुम हो गया था, परिजन बस स्टैंड पर कैमरे देखने के लिए आए थे। फरीदाबाद पुलिस अब लोगों के चालान काटने के साथ साथ उनको ट्रैफिक नियमों और कोरोना के बारे में जागरूक करेगी। ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ने पर वाहन चालक के घर पर ही चालान पहुंचाया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने जिले के सभी जोनल अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको हिदायत दी कि किसी भी वाहन चालक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए और उनको सभ्य भाषा में जागरूक करने के साथ साथ नियम तोड़ने के नुकसान के बारे में भी बताएं। यमुनानगर से 2 महीने से लापता पति को ढूंढने राजस्थान से दर दर भटकने को मजबूर महिला जिला अधीक्षक से मिलने पहुंची। मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट कर रही है। महिला ने पति को ढूंढने की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसका पति 17 जुलाई को घर से ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। उसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक उसके पति का कुछ नहीं पता चल पाया। पलवल में 12 वर्षीय अनाथ बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज जोगी समाज के लोगों ने महिला थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। वारदात के 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें राजीनामे न करने पर गांव से बाहर निकालने की धमकी दी है। पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पानीपत के गांव बबैल में ससुराल वालों की धमकियों से आहत होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मरने से पहले युवक ने 31 सेकंड का वीडियो बनाया, जिसमें युवक ने अपनी मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज का मामला दर्ज करवाने की धमकी देते थे। आरोपियों की इसी धमकी के बाद युवक तनाव में रहने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोनीपत में केजीपी पर कैंटर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केजीपी के 0 पॉइंट पर कैंटर में शव मिला और कैंटर के डैशबोर्ड में 13,000 रुपये रखे मिले। आसपास लगे सीसीटीवी कंगालने में पुलिस जुटी हुई है। उधर सोनीपत में एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम को कामयाबी मिली। 13 साल से फरारी काट रहे 25,000 के नाम में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश ने अपने गांव के शख्स की हत्या कर दी थी। उधर 2006 में बदमाश को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से पैरोल पर आने के बाद से वो फरार था। पैरोल पर आने के बाद डकैती, लूट और चोरी की आधा दर्जन वारदातों को उसने अंजाम दिया। उधर चरखी दादरी के गांव पातुवास में डेयरी से 17 भैंसों की चोरी होने की झूठी शिकायत देने का मामला सामने आया। जांच में सामने आया कि व्यक्ति के कर्ज उतारने के लिए उसने भैंसों को बेचा था। पुलिस ने झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी डेयरी से चोर भैंस चुरा ले गए हैं। पुलिस ने टीम बनवाकर छानबीन की तो सच सामने आया। फरीदाबाद के काजल हेड़ी गांव में पुराने रंजिश के चलते तलवारों और लाठियों से लैस कुछ बदमाशों ने धर्मकांटे के कार्यालय पर हमला कर दिया। इस दौरान धर्मकांटे में मौजूद युवकों ने छिपकर अपनी जान बचाई।
एलनाबाद में पुलिस ने चालकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने दो मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि एलनाबाद में आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही थी। उधर पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 28 अगस्त को बाइक चोरी की घटना को वारदात देने की बात को कबूल लिया था। पुलिस ने बताया कि अभी कई आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी। उधर दिल्ली के नारायणा स्थित वार्ड 2 से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष निशांत तंवर का शव दिल्ली पानीपत हाईवे पर बहालगढ़ के पास खड़ी कार में मिला है। पुलिस ने बताया कि जहर की वजह से निशांत तंवर की मौत हो गई है। निशांत के भाई ने दिल्ली कैंट से पार्षद और उनके पड़ोसी संदीप तंवर पर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। संदीप तंवर ने 4 दिन पहले निशांत तंवर के साथ साथ उसके भाई और माता पिता पर पहले ही मुकदमा दर्ज करा रखा है। पंचकुला में ढकोली फ्लाईओवर के पास एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो और ट्रेन की भीषण टक्कर होने से यह हादसा हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन गलत साइड से जा रही थी। इस दौरान स्कॉर्पियो कार की टक्कर ट्रेन से हो गई और हादसे से गुजर रहे एक युवक कार की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। राज्यसभा में चीन विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, चीन औपचारिक सीमा का नहीं मानता, सीमा विवाद का असर रिश्तों पर पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने लद्दाख में 38,000 किलोमीटर इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया। एलएसी को लेकर दोनों देशों की राय अलग अलग है। सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर हमारे सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही कहा कि चीन ने लद्दाख में वास्तविक स्थिति को बदलने की कोशिश की। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने बताया कि गलवान घाटी में हुई सैनिकों की झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 165 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। आज सुबह श्रीनगर के बटमालू इलाके में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की गोलीबारी से सेना का एक जवान घायल हो गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 97,856 नए केस मिले। 1,140 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 51,15,893। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा मचाई तबाही। 24 घंटे में सामने आए 23,365 मरीज। कुल मरीजों की संख्या 11,21,000 के पार। अब तक 30,000 से ज्यादा की मौत। उधर आंध्र प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या भी 5,92,760। अब तक 5,105 मरीजों की मौत। 90,000 से ज्यादा का चल रहा इलाज। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। एक दिन में फिर सामने आए 4,473 नए केस। 33 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक 2,592 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 87,184। राज्य में अब भी 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 68,28,000 के पार। अब तक 201,348 मरीजों की मौत। 25,00,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कुल 44,21,686 मरीज। 5,67,200 मरीजों का चल रहा इलाज। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से गई 18,917 लोगों की जान। अब तक सामने आए 10,79,000 से ज्यादा केस। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से बुरा हाल। अब तक सामने आए 6,53,444 केस। अब भी 53,544 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से 6,393 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,03,089 केस। 2,90,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बम का टीजर रिलीज हो चुका है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मी बम का टीजर अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। अक्षय टीजर में लक्ष्मण से लक्ष्मी के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म इंदु की जवानी का पहला सॉन्ग हसीना पागल दीवानी रिलीज हो चुका है। सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और अब तक 2,00,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। रणदीप हुड्डा ने फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड के लिए डबिंग शुरू कर दी है। रणदीप ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो माइक के साथ नजर आ रहे हैं। रणदीप हुड्डा सर्जरी कराने के बाद अस्पताल से वापस आ गए। साउथ सुपरस्टार कमल हासन डायरेक्टर लोकेश कनकराज की अपकमिंग फिल्म आनंद वाक्यू नंत्री में नजर आएंगे। ये कमल हासन की 232वीं फिल्म होगी। ट्विटर पर फिल्म का ऐलान करते हुए लोकेश ने एक पोस्टर शेयर किया है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में गोपी बहू गिया मानेक नजर आने वाली हैं। बिग बॉस 3 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। बिग बॉस 14 पूरे वीक टेलीकास्ट किया जाएगा। शो वीकडेज में रात 10:30 बजे और वीकेंड में रात 9 बजे से टेलीकास्ट होगा।
माधुरी दीक्षित का एक थ्रोबैक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में माधुरी 1-2-3 सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रही हैं। बिग बॉस फेम शहनाज गिल का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शहनाज कुर्ता पजामा सॉन्ग पर रिहर्सल करती हुई दिख रही हैं। TVF की वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स से चर्चा में आए सुमित व्यास अब वॉर सीरीज में नजर आने वाले। सुमित व्यास की अपकमिंग वेब सीरीज इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड होगी। इस वेब सीरीज को फेमस निर्देशक महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया है। मौनी रॉय वेब सीरीज लंदन कॉन्फिडेंशियल से अपना डिजिटल डेब्यू करने वाली है। ये वेब सीरीज Z5 पर स्ट्रीम होगी। कोरोना वायरस की महामारी से ग्रस्त दुनिया पर बेस्ड होगी ये वेब सीरीज में मौनी एक रॉ एजेंट के रोल में होगी। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रश्मि जैस्मिन भसीन के साथ पिंगा सॉन्ग पर डांस करती हुई दिख रही है।